शनिवार को एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की संख्या भले ही सामान्य दिनों से कम रही हो, लेकिन कर्मचारियों की चुनावी ट्रेन के कारण पंजीकरण विंडो और दवाई वितरण विंडो पर काफी अव्यवस्थाएं देखने को नजर आईं। इसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शनिवार को एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में कुल 2059 नए पंजीकरण किए गए। ओपीडी में मरीजों की संख्या भले ही सामान्य दिनों से कम रही हो, लेकिन कर्मचारियों की चुनावी ट्रेनिंग के कारण पंजीकरण विंडो और दवाई वितरण विंडो पर काफी अव्यवस्थाएं देखने को नजर आई, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, भीड़ तो सामान्य दिनों की तरह थी, लेकिन आज जो है उस फार्मासिस्टों की दवाइयों के जो काउंटर थे वो खुल नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो है आज इलेक्शन की ट्रेनिंग थी। वो लोग जो है ज़्यादातर लोगों की ट्रेनिंग थी, एक ही फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग नहीं थी, जो यहाँ पे दवाइयों का वितरण कराया गया दो काउंटर खोल के महिला और पुरुष का। उस हमने भी जाके अपना वहीं पर योगदान दिया है, और भीड़ तो अमूमन वही रहती है, पर ये सारे काउंटर और काउंटर बंद होने की वजह से इसलिए एक ही काउंटर पर सारा लूट पड़ा था। कर्मचारियों की कमी के चलते पंजीकरण की लाइन में लोगों को लंबी लंबी कतारों में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद मरीज को दवाई के लिए भी दवाई वितरण विंडो पर भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। यहाँ ओपीडी से तो एक फार्मासिस्ट को छोड़ के बाकी सारे फार्मासिस्टों की ड्यूटियाँ थी, उनकी जो एक फार्मासिस्ट की जिनकी ड्यूटी नहीं आज थी, उनकी ट्रेनिंग कल है, वो कल जाएंगे अपनी ट्रेनिंग। बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य कर्मियों एवं फार्मासिस्ट की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, जिनकी ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है, जिसके चलते एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में स्वास्थ्य कर्मियों और फार्मासिस्टों की संख्या घट गई है, जिसके चलते ओपीडी का संचालन प्रभावित हो रहा है। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगरा के लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।